हाँ तो भाई लोग, सबसे पहले ना आप सबको जय श्री राम। अभी ना बात करने वाले एक ट्रेलर के बारे में जो कि मैंने देखा अभी अभी, गदर 1947 एक विछोड़ा ऐसा कुछ करके जो ट्रेलर है वो देखा मैंने, उसके बारे में बात करूंगा और मैं बताऊंगा कि मेरे को ना ट्रेलर सच में कैसा लगा। ट्रेलर में जो हमको देखने के बाद जो स्टोरी समझ आ रही है वो ये है कि ये टाइम वो है जब अंग्रेज जो है वो हुकूमत करते थे। थोड़ी स्टोरी आपको वो दिखाई जाएगी, थोड़ा सा आपको दिखाया जाएगा उस टाइम का ऑरा जबकि देश आज़ाद हो गया और उसके बाद ना पाकिस्तान, मतलब कुछ लोगों को पाकिस्तान चाहिए था, यानी कि इसमें एक सेंटिमेंटल जो डायलॉग्स वगैरह है वो भी आपको देखने और सुनने को मिलेंगे। जैसे कि अब मेरे जो मुल्क है उसके दो टुकड़े हो जाएंगे, ये जो डायलॉग था वो काफ़ी अच्छा था। उसके बाद में आपको दिखाया जाता है कैसे जो भारत के दो टुकड़े हो गए, कुछ लोग जो है पाकिस्तान में हैं लेकिन फिर भी उनका जो दिल है वो हिंदुस्तानी है, या फिर एक तरीके से आप बोल सकते हो वो हिंदू हैं और उनको लगता है कि वो चाहे मर जाएंगे लेकिन कन्वर्ट नहीं होंगे और इससे अच्छा तो वो पाकिस्तान छोड़ के हिंदुस्तान आ जाएंगे। ये सब डायलॉग जो है दमदार आपको देखने को मिलेंगे ट्रेलर के अंदर। और पूरी की पूरी जो स्टोरी है वो घूमने वाली है, 3 हिस्सों में घूमेगी। सबसे पहला जो ब्रिटिश लोग थे उनका, दूसरा जो अपना बंटवारा था वो, और तीसरी वाला जो पंगा है वो रहेगा एक फैमिली के बीच जो कि मतलब हिंदू और वर्सेस जो मुस्लिम है, मतलब उनकी जो लड़ाई है, यानी कि मुसलमान मतलब मुस्लिम लड़की प्लस में हिंदू लड़का, इनका जो एक प्यार व्यार का जो फंडा है वो आपको तीसरे मतलब जो तीसरा इनका चरण होगा उसमें आपको देखने को मिलेगा। अब क्या होगा, मिलेंगे नहीं मिलेंगे वो सब तो खैर मूवी में देखने के बाद ही पता लगेगा, और मूवी कब आएगी वो मैं नहीं बताऊंगा, जाके गूगल कर लेना आपको पता लग जाएगा कि जो ये गदर मूवी है ये कब आने वाली है। लेकिन एक चीज़ बोलूँ मैं, मेरे को नहीं लगता शायद कि ये हिंदी में आएगी, वैसे पंजाबी भी समझ आती है। पंजाबी इंडस्ट्री से जो निकल के आया है ट्रेलर मेरे को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, ठीक ठाक है, ओके ओके है। लेकिन एक तरीके से जो एक उम्मीद होती है हमको, या फिर आप जो सोच रहे हो गदर जो हमने सनी पाजी की देखी थी तो उसके अकॉर्डिंग अगर कंपेरिजन करें तो फिर सनी पाजी वाला जो पढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं भारी है अकॉर्डिंग टू डायलॉग डिलीवरी और जो सिचुएशन है या फिर स्टोरी लाइन है या फिर जो भी है उसके हिसाब से। तो अभी के लिए, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।